इस लेक्चर में हम देखेंगे हम किस तरह से सेशन को सेव कर सकते हैं और किस तरह से उस सेशन को अगेन रीस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेशन क्रिएट करना है और फिर उसको हम स्टोर करते हैं। तो इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एज TF और सेशन इज इक्वल TF डॉट सेशन। ओके, सेशन में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, अलर्ट से दो वेरिएबल्स को उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो वेरिएबल वन इज इक्वल टू TF डॉट वेरिएबल इनिशियल वैल्यू 25, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल वन, वेरिएबल टू एंड वेरिएबल टू, और इसमें इनिशियल वैल्यू हम लेट से 75 रख लेते हैं। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। एक ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं, लेट से सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू TF डॉट सब्ट्रैक्ट एंड वेरिएबल टू कॉमा वेरिएबल वन। इसका मतलब हम वेरिएबल टू में से वेरिएबल वन को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, अब हमें क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं तो इनको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए हम सेशन में जाके तो ऑपरेशन रन करेंगे जिससे ये वेरिएबल्स हमारे ग्लोबली इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो सेशन डॉट रन एंड TF डॉट ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइजर, यहाँ पे पैरेंथेसिस डालना ना भूलें। ओके, हमारे वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज हो चुके हैं, अब हम कोई भी ऑपरेशन रन कर सकते हैं। तो लेट्स से हम करते हैं रिजल्ट इज इक्वल सेशन डॉट रन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमारे ऑपरेशन का नाम है जिस ऑपरेशन में हमने इनकी सब्ट्रैक्शन डिफाइन की हुई है। ओके, अब इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हमारे पास रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिजल्ट चेक करके देखते हैं। ओके, 50। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस सेशन में हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, हम चाह रहे हैं इस सारे सेशन को स्टोर करना। तो सेशन को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें सेवर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सेवर क्या है? आप लेट्स से हम कहते हैं सेवर इज इक्वल टू TF डॉट ट्रेन डॉट सेवर विद एस कैपिटल लिखेंगे तो सेवर ऑब्जेक्ट आपके पास डिफाइन हो जाएगा। इस सेवर के साथ हम किसी भी सेशन को स्टोर कर सकते हैं, इन्हें सेव कर सकते हैं और उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, इस सेशन को अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं, हम लिखेंगे सेवर डॉट सेव। यहाँ पे हमें इसको दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर हम इसको सेशन पास करेंगे जिसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं, जो कि उसका नाम हमारे पास सेस है, और दूसरी चीज़ हमें उस पाथ उसको देना जहाँ पे हम इस सेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं। इस सेशन को हम लेट से डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सेशन। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर ये सेशन हमारा स्टोर हो जाए, तो इसका हम पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन सेशन। ओके, इस कमांड का एक्चुअली पर्पस क्या है कि हम यहाँ पे इसको इस पाथ के ऊपर इस सेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको इस शो भी कर सकते हैं, लेट से हम कह सकते हैं पाथ इज इक्वल टू दिस, और आप कर सकते हैं जी प्रिंट सेशन स्टोर्ड एट परसेंटेज पाथ। ओके, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं, सेशन डॉट क्लोज। ओके, सेशन स्टोर्ड एट दिस डायरेक्टरी। हम इस डायरेक्टरी में जाके अगर चेक करें तो ये यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया इसको, लेट्स से हम कहते हैं मॉडल डॉट CKPT, ये इसकी एक्सटेंशन है। जब भी हम किसी सेशन को स्टोर करना चाह रहे हो, हम इसको इस तरह से स्टोर करेंगे। इस फोल्डर में जाके मॉडल कुछ भी नाम रख लें डॉट, ये इसकी एक्सटेंशन है CKPT। इसको सेव करते हैं। ओके, अब देखते हैं। ओके, ये हमारे पास इस तरह की कुछ फाइल्स हमें नज़र आएंगी। ओके, तो इससे हमारा सेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इस सेशन को रीस्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि ऐसे लिखा रहने देते हैं।
ओके सेशन को रिस्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेवर यही ऑब्जेक्ट डॉट रिस्टोर, और यहाँ पे हमें इसको दो वेरिएबल पास करने हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। पहला आर्ग्यूमेंट अगेन इस सेशन को, जो सेशन आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं उसको आपने वापस किस में सेव करना है, तो आप इसको लेट से हम इसी सेशन में सेव करना चाह रहे हैं, तो सेशन, उसके बाद हमें वो पाथ देना है जिस पाथ पे वो हमारा पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली वो पाथ हमारा क्या था, कॉपी एंड सेशन मॉडल डॉट सी के पी टी, इसे हमारा सेशन जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रिंट, अगर मैं बता रहा सेशन रीस्टोर। अब हम हमें कैसे पता चलेगा कि सेशन रीस्टोर हुआ भी है एक्चुअली कि नहीं, लेट्स से हम इसको चेक करने के लिए इन वेरिएबल्स को सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं, इन वेरिएबल्स को। लेट्स से हम करते हैं सेशन डॉट रन tf डॉट ग्लोबल वेरिएबल इनिशलाइजर, ओके हमारे पास एक ऑपरेशन डिफाइंड है जिसमें हमने इनकी सब्ट्रैक्शन की हुई है। ओके अब हम इसको रन करते हैं प्रिंट एंड सेशन डॉट रन सब्ट्रैक्शन। ओके अभी हमें ये रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट कर, क्या शो करेगा, 50। ओके लेट्स से हम इनकी वैल्यूज चेंज करते हैं, हम इसको कह देते हैं 100, ये हमें 75 एग्जैक्टली हमें जो इसकी आउटपुट आनी चाहिए वही रिप्रेजेंट, वही शो कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि यही ऑपरेशन को अगर हम कॉपी इस सेशन को रीस्टोर करने के बाद परफॉर्म करें, और हम यहाँ पे लिख देते हैं After session restoration, एंड यहाँ पे यहाँ पे अगर हम चेक करें अभी हमारे पास वैल्यूज 125 हैं। जब हमने सेशन को रीस्टोर नहीं किया तो ये अभी करंट वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसका आंसर 75 है, लेकिन जब हम सेशन को रीस्टोर कर लेते हैं तो ये वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली रीस्टोर हो रहे हैं जो हमने सेव किया था। तो अगर आपको याद हो हमने शुरू में इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो 75 और 25 रखी थी, तो 75 और 25 का डिफरेंस हमारे पास 50 है। जब हम सेशन रीस्टोर कर लेंगे उसके बाद अगर हम इसी ऑपरेशन को रन करेंगे, इसी ऑपरेशन को, तो ये किन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करेगा जो हमने सेव की हुई थी उस सेशन के अंदर। और अगर हम इस सेशन को रीस्टोर करने से पहले, मतलब रीस्टोर किए बगैर अगर हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये अभी करंट वैल्यूज़ के ऊपर कर रहा है। लेट्स से आप इसको अगर 200 भी कर लें, तो जब आप सेशन रीस्टोर करने से पहले इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपको 175 आंसर देगा, लेकिन जैसे ही आप सेशन रीस्टोर कर लेंगे वो अपनी वैल्यूज़ को उस सेशन में जो हमने स्टोर किया था, जो वैल्यूज़ हमने सेव की हुई हैं उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगेन हम इसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, तो 175 एंड 50, ये 50 बेसिकली क्या है, 75 और 25 जो हमने सबसे पहले वैल्यूज सेशन के अंदर स्टोर की हुई हैं, जब हम उनको रीस्टोर करेंगे तो वही वाली वैल्यूज रीस्टोर हो जाएंगी।